हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है नोइंग आर नंबर्स। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, एक्सरसाइज वाइज समझेंगे हम इंट्रोडक्शन। जैसे कि एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, तो उसका क्या इंट्रोडक्शन होगा वो समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है नंबर्स के बारे में। तो हमने क्लास फिफ्थ में भी पढ़ा था कि 143 को हम कैसे लिख सकते हैं, 143, राइट? तो ये क्या करा हमने, हमने एक नंबर को वर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये जो वर्ड फॉर्म होती है, एक तो इंडियन सिस्टम होता है और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, तो हम दोनों के बारे में समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सो पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। अब मैं एक नंबर लेट करती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट कर लिए नंबर। अब ये जो डिजिट है, ये क्या होती है, हमने पढ़ा था दिस इज वंस, ठीक है? तो हम वंस को कैसे लिखते हैं, हम वंस का मतलब देखो क्या होता है बच्चों, वंस का मतलब होता है वन। ये कौन सी डिजिट है, ये है टेंस। ओके, तो टेंस का मतलब क्या होता है, 10। ओके, नेक्स्ट ये कौन सी डिजिट होती है, ये होती है 100। तो 100 के लिए हम क्या लिखेंगे, 100। ओके, ये कौन सी डिजिट है, दिस इज 1000। तो 1000 में कितने जीरो आते हैं, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 3 जीरो आते हैं। एंड दिस इज 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000। एग्जैक्टली 10,000। नाउ 10,000 के बाद क्या आएगा, लाख। तो 10,000 में पहले हम लिख लेते हैं कि कितने जीरो आते हैं। टेन में कितने जीरो आते हैं, वन। ओके, और 1000 में कितने हैं, 1, 2, 3। तो हम सबको कंबाइन कर देंगे और 4 जीरो लगा देंगे। ओके, लाख, लाख में कितने जीरो आते हैं, डेफिनेटली जब इसमें 4 आ रहे हैं तो एक प्लस कर दो, लाख में 5 जीरो आते हैं। अब देखो एमसीक्यू का क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बताओ लाख में कितने क्वेश्चन जीरो आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने आते हैं, 5 आते हैं। ओके, अब जो है नेक्स्ट वो है हमारा, 1 सेकेंड, दिस इज करोड़। करोड़ में कितने आते हैं, सॉरी करोड़ से पहले क्या आएगा, 10 लाख। वेरी गुड, 10 लाख। तो 10 लाख में आएंगे, जब लाख में आ रही है 5, ठीक है, और 10 का मतलब क्या होता है, 10। तो 10 और प्लस लाख के 5 जीरोस लगा दो, तो ये क्या हो गया, 10 लाख। नेक्स्ट जो है हमारा, एक और डिजिट ले लेते हैं, हमने ले ली 3। तो ये जो 3 है उसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, दिस इज करोड़, राइट? तो करोड़ में कितने होते हैं, ऊपर ही लिख देती हूँ इसे यहाँ पर, करोड़ में होते हैं 7 जीरोस। कितने जीरो आते हैं, 7। तो पूछा जाता है कि करोड़ में कितने जीरो आते हैं, आप बताओगे, 7 जीरो आते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये आपका चार्ट बन गया। अब ये जो चार्ट बने बच्चों, ये आपका बना इंडियन सिस्टम का। ओके, अब मुझे इन्हीं को एक्सप्रेस करना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो किस तरीके से हम चेंज करते हैं मैं आपको समझाती हूँ। ओके, 1 सेकेंड, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, वंस, टेंस, 100,000। कहाँ से चेंज होना शुरू होता है, 10,000 भी ऐसे ही रहता है, चेंज होना शुरू होता है लाख से। ओके, तो लाख को हम इंटरनेशनल सिस्टम में बोलते हैं 100,000। अब ये देखो 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 में 2 जीरो होते हैं, और 1000 में कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट? तो टोटल कितने जीरो हो गए, 5। और अभी हमने पढ़ा कि लाख में भी कितने जीरो होते हैं, 5। तो लाख को हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं, 100,000, क्योंकि 100 के 2 जीरो, 1000 के 3, और वो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट लाख के नीचे क्या आया था, 10 लाख, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हम समझते हैं।
तो 10 लाख को बोलते हैं मिलियन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मिलियन। और मिलियन में कितने जीरो आएंगे, तो जो मैं नाम चेंज कर रही हूँ स्टूडेंट्स, सिर्फ यहाँ पर वही लिखूंगी, जैसे मैंने चेंज करा था 100,000, जिसको हम इंडियन सिस्टम में लाख बोलते हैं और इंटरनेशनल में 100,000। कितने जीरो आएंगे, 5। नेक्स्ट मिलियन, मिलियन में स्टूडेंट कितने जीरोस आते हैं, एग्जैक्टली 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो मिलियन है, मिलियन के बाद क्या आएगा, मिलियन के बाद आएगा आपका 10 मिलियन, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैंने करोड़ लिया था, राइट, करोड़ को हम रब करेंगे, करोड़ को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाता है, 10 मिलियन, ओके। तो अभी हमने समझा कि करोड़ में कितने आते हैं, करोड़ में 7 जीरो आ रहे थे, तो 10 मिलियन में भी कितने आएंगे, 7 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से होता है। अब देखो हमने ये चार्ट बना लिया, इंडियन का भी बना लिया, इंटरनेशनल का भी बना लिया। अब इंडियन और इंटरनेशनल यहां तक तो सेम है, बस नीचे का चेंज होगा। अब मिलियन के बाद क्या आएगा, मिलियन के बाद आएगा बिलियन। तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमास, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमास, कॉमास हम कैसे यूज करते हैं, इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हमेशा कॉमास लगेंगे पीछे से 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, यानी कि पीछे से 3 डिजिट फिर 2 डिजिट के बाद लगते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा जो कॉमास लगेंगे वो हमेशा पीछे से 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, तो ऑलवेज 3 डिजिट के बाद कॉमास लगते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, कभी भी आगे से कॉमा नहीं लगेगा, कहां से लगता है, पीछे से लगता है, ओके।